This conference will now be recorded. ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया. आई एम सॉरी फॉर मिसिंग द फर्स्ट 10 मिनट्स. सो एनीवेज, इस पहले 10 मिनट में हम लोग इस पूरे लिस्ट को से होके गुजरे कि क्या क्या इस मीटिंग में होगा. दिस वॉज एन ओवरव्यू ऑफ वॉट वी आर गोइंग टू सी. नाउ द फर्स्ट थिंग, अ क्विक वॉक थ्रू. तो आप सब लोगों को अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है. मैं कौन सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं उसे बदल रहा हूं. सो ये है हम लोगों मेरा स्क्रीन जहां आप देख रहे हो. अभी अपने वेबसाइट पे आ जाते हैं, vksu.ac.in. ये आ गए हम लोग अपने वेबसाइट के मेन पृष्ठ पे. अभी ध्यान दें कि यहाँ पे ये 6 अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग दिखाना चाह रहे थे, जिस पे आपका ध्यान आकृष्ट हो. हम चाहते थे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, बच्चे ये पा सकते हैं. अपने नोट्स आप लोग अपलोड कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ने इस दौरान क्या क्या पा लिया है, COVID-19 से रिलेटेड नोटिसेस, जो जरूरी इवेंट्स हो रहे हैं या जो अपकमिंग होते जा रहे हैं, और जो हम लोग केयर के तौर पर किए हैं इस मामले में जो कदम. तो यहाँ से तो जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो ज्यादा स्वाभाविक लगेगा कई लोगों को, वो यहाँ टॉप मेन्यू है. जो लोग फोन से इस काम को कर, आई एम सॉरी, वीसी सर का फोन आ रहा है, वो भी शायद जुड़ना चाहते थे और उनको जुड़ने में दिक्कत आ रही है. आई एम टेकिंग दैट कॉल, प्लीज एक्सक्यूज. अभी https://www.gotomeet.me.vksu पे गए. ठीक, जो सब लोग जुड़े हुए हैं उन्हें अभी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दिख रही होगी. और अगर इस बीच में मेरी ध्वनि निरंतर न रहे ऐसा लगे तो आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा. आपके अवेलेबल बैंडविड्थ का बहुत हिस्सा वीडियो में जाता है, तो आवाज ज्यादा निरंतर हो जाएगी अगर वीडियो आपका ऑफ हो जाए. तो चलिए यहाँ आते हैं. सबसे पहला हिस्सा फैकल्टी जोन में आएंगे. अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो ये जो सारे विकल्प हैं यहाँ वो आपको मेन्यू में दिखेंगे. तो अभी अगर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो क्या होता है वो देख लेते हैं. फैकल्टी जोन में आए और सबसे पहला विकल्प ही है ई नोट्स सेल्फ अपलोड का. लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस. यहाँ ये सबमिशन पोर्टल है, इसमें कुछ फोन नंबर्स भी दिए गए हैं. अगर आपको समझ में ना आए कि कैसे करना है तो उससे पूछ सकते हैं, उन लोगों से. आप हमारी कंप्यूटर सेंटर टीम के सदस्य हैं, आपका ईमेल एड्रेस, टीचर का नाम और आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, जैसे यूनिवर्सिटी के अगर आप पीजी डिपार्टमेंट के हैं तो पहला विकल्प ही, अन्यथा कॉलेज के जो भी आपका है कॉलेज वो सेलेक्ट करेंगे. आपके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा एमबीए नहीं है यहाँ या ऐसे किसी चीज का. देखिए यहाँ डिग्री का नाम नहीं है, बीएड, एमबीए, बीसीए ये सब डिग्री है, तो डिग्री के नाम नहीं है. यहाँ सब्जेक्ट्स के नाम है, तो हमने बीएड की जगह एजुकेशन रखा था. खैर अभी काफी कंप्लेंट्स उन लोग उस तरफ से आ रहे थे तो हम लोगों ने उन सबको एक वोकेशनल कैटेगरी में डाल दिया है. जितने भी सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज हैं वो उस फर्स्ट कैटेगरी में है. आप अगर उसको भरेंगे तो उसके सामने एक अलग सूची आ जाएगी. तो आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे. इस बारे में अगर आपको एक वीडियो चाहिए, वीडियो डिटेल चाहिए, तो एक वीडियो बना हुआ है जो आप हम लोगों के वेबसाइट पे अगर आए, YouTube लिंक पे अगर आए, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के, आप
आप अपने YouTube को खोलें और उसमें वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी खोल लें। एक्चुअली ये सबसे अच्छा होगा कि आप लोग इस लिंक को सब्सक्राइब कर लें। हम लोगों की यूनिवर्सिटी का अपना जो चैनल है उसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे और काम के वीडियोस आते रहते हैं। उसमें जैसे एक वीडियो मैंने डाला हुआ है जिसका ये लिंक है यहाँ, ये मैंने अपने पीजी के सारे ग्रुप्स में भी डाला है। इस लिंक में मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोट्स अपलोड कर सकते हैं अपने फोन का इस्तेमाल करके ही। तो मैं इस हिस्से के डिटेल में नहीं जाना चाहता अभी, सो अलाउ मी टू गो बैक। तो आपने एक बार वहां अपलोड कर दिया तो उसके बाद आप अपलोड स्टेटस पे आके देख सकते हैं। इसको भी एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अपलोड स्टेटस पे जब क्लिक किए तो ये खुल गया। देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे तक वो सब लोग हैं जिन्होंने अब तक भरा है, और यहाँ इस पंक्ति में जितने लोगों का टिक मार्क लगा हुआ दिख रहा है इसका मतलब कि ये ऑनलाइन जा चुका है। अगर कहीं पे कुछ अलग से कमेंट लिखा हुआ है, जैसे ये रिपीट सेंट लिखा है, इसका मतलब ये जो नोट्स था ये दोबारा भेजा गया है। तो इसलिए ये ऑनलाइन तो है लेकिन ये हमने ये वाला नोट्स डाला नहीं है वास्तव में। इस तरह से कहीं कहीं विशेष कमेंट्स दिखेंगे, जैसे ये हमें लगा कि कॉपीराइट मटेरियल है, किसी किताब का है, ये फिर से रिपीट भेजा गया, इस तरह की कुछ कुछ चीजें हैं। इन सब में कहीं हम लोगों से कभी कभी गलतियां भी होती होंगी, कभी कोई छूट भी जाता होगा। और देखिए अभी जो हाल में कुछ किए गए हैं एंट्रीज वो यहाँ नीचे हैं। आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर का यहाँ जो एंट्री है वो ऑनलाइन हो चुका है, जो 1:30 बजे के आसपास आज एंट्री की गई है वो ऑनलाइन हो चुका है। चलिए तो मुझे तो आप अपना मॉनिटर भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन हुआ कि नहीं। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर ई नोट्स। देखिए ये जरूरी विषय है कि आपके नोट्स होते कैसे हैं। कुछ भी दे देने से तो नहीं देना कई बार अच्छा हो जाता है, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। ये 2 पन्ने 3 पन्ने में बताता है कि किस प्रकार से आपको अपने फाइल का नाम देना चाहिए। इसमें यूनिवर्सिटी का नाम ठीक से रहे, यूनिवर्सिटी पे कोई आक्षेप ना लगा सके ये बात, और स्टूडेंट्स को सुविधा हो आपके नोट्स को मिलने में ये भी बात है। पोस्ट ऑनलाइन क्लास इन्फो, तो ये एक अहम हिस्सा है, इसको जरा देखते हैं। इससे कई लोग परिचित नहीं है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको पेज यहाँ लेके जाता है। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस, नाम, डिपार्टमेंट का नाम, कॉलेज का नाम, कौन से ग्रुप के लिए आप ये कर रहे हैं, जैसे यूजी पार्ट वन के लिए या कौन सा सेमेस्टर के लिए या पीएचडी के लिए कर रहे हैं, ये सब आप डालेंगे। फिर आप कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब भी हो सकता है, कोई फेसबुक लाइव भी दे सकता है, कोई जूम का इस्तेमाल कर सकता है। तो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप यहाँ उत्तर में डालें। उसमें ज्वाइन करने का लिंक क्या है वो आप यहाँ डालेंगे। और इस प्रकार से ये सब चीजें, अगर स्टूडेंट्स को कोई इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे कोई पासवर्ड हो सकता है, अगर ये आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया तो ये अभी आज हम लोग इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं, हमें बात दूसरे स्रोतों से पता लगता है कि ये क्लास ले रहे थे लेकिन इन्होंने हम लोगों को नहीं बताया, और अतः कई स्टूडेंट्स को नहीं मिला होगा। एक टीचर का अपने संपर्क से शायद 4 या 5 स्टूडेंट्स से संपर्क होगा, लेकिन अगर वो वेबसाइट पे चला है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख सकेंगे। देखिए इस फॉर्म को अब तक 19 लोगों ने भरा है बस। फिर आप किन दिनों पे क्लास लेते हैं, और ये चेक बॉक्स है। आप अगर मंडे को और फ्राइडे को सिर्फ क्लास लेते हैं तो आप सिर्फ वो दोनों को सेलेक्ट कीजिए। आप जो जो करते हैं सिर्फ उसको सेलेक्ट कीजिए, और आप उन जो दिनों को आप सेलेक्ट किए हैं उनमें आपका क्लास टाइम क्या होता है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अपना मतलब इंस्ट्रक्टर का ईमेल आईडी या फोन नंबर आप जिसमें सहज हो, मुझे लगता है ईमेल देना ज्यादा उचित होगा, वो दे सकते हैं। और बस इतना देने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। आप जैसे ही सबमिट कर देंगे हेलो, हाँ बोले, आप शायद अभी जुड़े हैं ना, तो मीटिंग चल रही है, आप प्लीज पार्टिसिपेट। हाँ तो अभी ये जो आप यहाँ भरे हैं वो स्टूडेंट जोन में एक लिस्ट में चला आता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ कुछ और चीजें जो आपके लिए बनी है टीचर्स के लिए उसको देख लेते हैं। मेक यूट्यूब लेक्चर, ये भी एक यूट्यूब का लेक्चर है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आप अपने यूट्यूब के लेक्चर्स यूट्यूब में लेक्चर अपलोड कर सकते हैं। ये 3-4 मिनट का एक वीडियो है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है। अभी चूंकि
यूनिवर्सिटी बंद है, आप में से कई लोग हो सकता है चाहें कि इस बारे में क्या हो रहा है, उस बारे में क्या हो रहा है, कोई प्रश्न है अगर, तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बता सकते हैं कि किस शाखा से, वो चाहे पेंशन शाखा हो या कोई विशेष पीजी डिपार्टमेंट हो या रजिस्ट्रार ऑफिस हो या इत्यादि, या एग्जाम डिपार्टमेंट, उससे आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें, वो व्यक्ति का नाम लिख के आप अपना प्रश्न डाल दें, उस व्यक्ति के ईमेल पे हम उसको भेज देते हैं। वो ईमेल आईडी आपको पता होना जरूरी नहीं है, जैसे आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर के लिए भेजें तो हम उनके ईमेल पे हम भेज देते हैं, वो हम लोग कंप्यूटर सेंटर पर COVID-19 से जुड़े नोटिसेस और काउंसलिंग के कॉन्टैक्ट। अब आते हैं वापस स्टूडेंट जोन में। यहाँ पर पहली पंक्ति में स्टूडेंट आपका नोट्स जो आपने डाला है वो देखता है। इस पे हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले जो आसान चीजें हैं उसको कर लेते हैं। एकेडमिक इंक्वायरी फॉर्म ऐसा जिसमें स्टूडेंट जिसके पास आपसे सीधे पूछने का किसी कारण से कोई माध्यम नहीं बन रहा, तो वो इस फॉर्म को भर के कह सकता है कि आपके फलाना नोट्स में ये मुझे समझ नहीं आ रहा, या आपके उस नोट्स का तस्वीर ऐसा है कि मुझे देख के समझ नहीं आ रहा। सारे सिलेबस जितने हमारे पास है सॉफ्ट कॉपी में वो यहाँ पे अवेलेबल है इस लिंक पर। फिर यहाँ ऑनगोइंग ऑनलाइन क्लासेस, ध्यान है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक लिस्ट किया था जिसमें आप भर सकते हो कि आप कौन कौन से लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ये वो लिस्ट है जो अभी ऑनलाइन क्लासेस जो भी ले रहे हैं उनकी ये लिस्ट है। इसमें वो सारी सूचना दी गई है कि व्यक्ति कौन है, कौन से डिपार्टमेंट का, और वो किस एफिलिएशन का है, किस सेमेस्टर के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल कर रहा है इत्यादि। आपको आप ये सब लिस्ट सबके लिए उपलब्ध है, आप लोग कभी भी जाके देख सकते हैं। फिर ये बाकी स्टूडेंट्स के काम की सूचना है, हम लोगों को इस पे और समय लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने दूसरे बिंदु पे आते हैं, हाउ टू मेक योर ओन वीडियो लेक्चर। इस बारे में मुझे एक बार क्विकली आप लोग बताइए, मुझे तो लगता है शायद ये बहुत सहज है, अपने ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके, जैसे घरों में लोग वीडियो बनाते हैं कि ये बच्चों के खेलने का वीडियो बना रहे हैं और दूर अपने वालों को भेजते हैं, वैसा ही आप वीडियो बना सकते हैं अपना लेक्चर का भी। बस उसको हाथ में पकड़ के मत रखिए, सामने किसी एक जगह आपने फोन को रख दिया और बोल बोल करके आप वीडियो बना रहे हैं। इस बात में दो चीजें हैं, दो पक्ष हैं। अगर तो आप ह्यूमैनिटीज से हैं जिसमें जिसमें पढ़ाने के क्रम में बोलना, समझाना, अपने तरीके से व्याख्यान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें इक्वेशंस लिखने वगैरह की जरूरत कम होती है, तब तो ये पर्याप्त है। ये जो अभी तरीका हुआ कि आपने फोन को एक जगह रख दिया वीडियो ऑन करके और अपना वीडियो बना लिया, ये पर्याप्त। तो लेकिन साइंस वालों के लिए उनको बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, उसमें क्या कर सकते हैं चर्चा अभी थोड़ी देर में करते हैं। हम लोग अभी जो कर रहे थे कर लेते हैं कि आपने उस प्रकार से वीडियो लेक्चर बना दिया, हमारे कुछ 10-12 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनका वीडियो लेक्चर बस रख करके बनाया जा सकता है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी, साइकोलॉजी इत्यादि। तो वो लोग अपना वीडियो लेक्चर बनाएं और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें। यूट्यूब पे अपलोड कैसे करना है इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की कि फैकल्टी जोन में यहाँ मेक यूट्यूब लेक्चर, यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके बने बनाए वीडियो को यूट्यूब पे कैसे अपलोड करेंगे आप। ध्यान दें कि YouTube पे अपलोड करने की कोई सीमा नहीं है कि आप 10 वीडियो ही अपलोड कर सकते हैं या उसकी वो 2 GB का ही होना चाहिए, 20 GB साइज तक का कोई भी वीडियो आप चाहें अपलोड कर सकते हैं और उसकी कोई सीमा नहीं है। आप टेराबाइट का भी, कितने भी आप अपने जीवन भर के वीडियो हर रोज बना बना के डालते रहें, उसके लिए कोई पेड सर्विस लेने की जरूरत नहीं है YouTube की। लेकिन फिर भी आपको वो सब जटिल लगे तो आप कंप्यूटर सेंटर को भेज सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं हो रही है जी, फिर से कहें। ठीक है, मुझे लगता है शायद वहां आपस में कोई बातचीत कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं कि जो लोग ये ह्यूमैनिटीज के नहीं हैं और साइंस के हैं, जिन्हें ब्लैकबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो उस ब्लैकबोर्ड की जरूरत में कैसे उसको पूरी करेंगे, उसका उत्तर सामने कुछ और चीजों में आता है। तो उसका एक उत्तर तो है कि आप जिस कंप्यूटर से या लैपटॉप जिस पे आप हैं उसको आप शेयर कर सकें। अब देखिए कि उसको शेयर कर सकें आवाज क्लियर तो वो है जो गोटू मीटिंग मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। गोटू मीटिंग अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एक पेड वर्जन है। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आवाज क्लियर। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही है आपने कहा। जिन्हें आवाज साफ नहीं आ रही है वो अपना वीडियो बंद करके देखें। दो चीजें कीजिए, अपना वीडियो बंद कीजिए और दूसरी चीज अपने फोन को स्थिर एक जगह रख दीजिए। फोन जब हिलता है, देखिए ये
वीडियो ट्रांसमिशन का नया टेक्नोलॉजी है कि वो सिर्फ वही पिक्सल्स को अपडेट करते हैं वीडियो ट्रांसमिशन में जो चेंज हो रहा है। जैसे मैं आप अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरे पीछे की जो दीवार है, पर्दा है, वो जो उसका वीडियो आप तक नहीं, वो बदल नहीं रहा, तो वो पिक्सल फिक्स्ड है, इसीलिए वही इमेज का हिस्सा जा रहा है आपके पास जो हिल रहा है। इसके कारण बैंडविड्थ कम लगता है, तो आप अपना फोन एक जगह रख दें। देखिए अब आवाज स्पष्ट है क्या? सभी लोग अपना फोन एक जगह रख दें, हाथ में ना पकड़ें, और अगर फिर भी आवाज ना आए तो अपना वीडियो ऑफ कर लें। आपका वीडियो ऑफ करने के बावजूद भी आप मेरे स्क्रीन को देख पाएंगे जो मैं शेयर कर रहा हूं। बैक टू द सेम थिंग। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अपने स्क्रीन को शेयर करना, तो स्क्रीन को शेयर करने का प्रसंग ये था कि अगर मुझे ब्लैकबोर्ड जैसी कोई व्यवस्था चाहिए जिसमें मैं दिखा सकूं बच्चों को, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो एक काम तो आप ये कर लें कि इनमें से कोई एक ऐप डाउनलोड कर लें, गो टू मीटिंग, जूम, वेबएक्स। देखिए इन सब की अपनी अपनी सीमाएं हैं। वेबएक्स जिसको हमारी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले प्रयास किया था, मतलब इस ऐप को सबसे पहले ट्राई किया था हम लोगों ने, ये बहुत अच्छा ऐप है। इसमें 100 लोगों तक को वो फ्री अलाउ करते हैं, कोई सर्विस नहीं, कोई पैसे नहीं मांगते हैं वो उसके, और उसमें अनलिमिटेड टाइम तक आप 2 घंटे 3 घंटे तक भी एक साथ उसमें चैट कर सकते हो। लेकिन उसको क्रिएट करना, हैंडल करना थोड़ा सा जटिल होता है। जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज थोड़ा कम है या जिस जो इन चीजों से बहुत सहज नहीं है, उन्हें थोड़ा शायद हेल्प चाहिए होगा ये वेबएक्स सिस्को का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, उसमें मीटिंग आईडी क्रिएट करना और अपने सब बच्चों को, स्टूडेंट्स को शेयर करना, दिक्कत हो सकती है। आप ऐसी चीज के लिए या तो हम लोगों से मदद ले सकते हैं या सबसे या कुछ और का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जूम का इस्तेमाल कर लिया। जूम की लिमिट, अभी तो वेबएक्स सिस्को का लिमिटेशन बता दिया मैंने, और मैं एक एक करके सबका लिमिटेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी विशेष परिस्थिति कैसे है। आप हो सकता है पीएचडी की क्लास लेना चाहते हो जिसमें 4 स्टूडेंट्स ही हो या 3 स्टूडेंट्स ही हो, तो आपके लिए अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, तो देखते जाइए। तो अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से और आप ये सीख सकते हैं तो ले लीजिए। 100 स्टूडेंट्स का क्लास से आपको ज्यादा लेना नहीं होगा, वेबएक्स इसको बहुत अच्छा है। फिर जूम, जूम में ये सीमा है कि वो सिर्फ फ्री वाले ऐप में 50 लोगों को आने देते हैं और 40 मिनट तक के लिए ही आने देते हैं। ये बात स्पष्ट हुई ना? 50 लोग, लेकिन 50 भी काफी है, और अगर आपको 40 मिनट से कम का क्लास लेना है और 50 लोगों से कम आपकी संख्या होगी तो कृपया जूम इंस्टॉल कर लीजिए। जूम में जो कंप्लेन सुना है आपने कि कुछ लोग उसको हैक कर लेते हैं, आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर लेते हैं, वो बातें सही है, लेकिन उसका एक बड़ा सरल उपाय है कि आप अपनी मीटिंग में एक पासवर्ड लगा लीजिए। देखिए अभी गो टू मीटिंग जो आपको दिया गया है लिंक, उसमें कोई पासवर्ड नहीं है, मैं उसमें पासवर्ड लगा सकता था। आप जूम का जब इस्तेमाल करें तो जरूर पासवर्ड लगाएं। आपके इंफॉर्मेशन को, सिस्टम के इंफॉर्मेशन को जो हैक कर रहा होता है वो कोई आदमी बैठ के नहीं कर रहा होता है, इतने सारे जूम एप्लीकेंट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है। अगर आपने एक पासवर्ड डाल दिया बस वो वहां रुक गया। अगर पासवर्ड को भी जो ब्रेक कर रहा है तो वो तो फिर एनीथिंग ऑन इंटरनेट इज हैकेबल, प्लीज बी श्योर अबाउट इट। सो जूम को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में थोड़ी सी बात हुई। अंत में जब हम लोग प्रश्न उत्तर में होंगे तो चाहेंगे तो हम उसको इंस्टॉल करके एक डेमो सेशन भी ले सकते हैं। फिर गो टू मीटिंग, गो टू मीटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा आसान पाया जाता है लोगों के द्वारा, उस कस्टमर रेटिंग्स के आधार पे। गो टू मीटिंग में लेकिन 14 दिन का ही फ्री ट्रायल है, तो इसका भी शॉर्टकट लोग ये करते हैं। अब तो गो टू मीटिंग के बारे में ये कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो गो टू मीटिंग आपके लिए सबसे आसान होगा इस मामले में, कि बस लगाया और तुरंत आपने मीटिंग लिंक क्रिएट कर दिया, शेयर किया, आपके बच्चों को भी उससे कनेक्ट करना सबसे आसान होगा। वेबएक्स में थोड़ा सा और जटिल हो जाता है ये, सिस्को में थोड़ा कम और सबसे कम गो टू मीटिंग में अभी। लेकिन गो टू मीटिंग 14 दिन का फ्री ट्रायल देता है आपको, उसके बाद आपको चाहिए तो आपको एक दूसरा ईमेल आईडी से करना पड़ेगा। तो खैर मुझे लगता है कि हर किसी के पास एक दो ईमेल आईडी होगा या फिर कभी पत्नी के ईमेल आईडी से, तो गो टू मीटिंग का भी आप निभा ले सकते हैं जो चाहें तो। अब अगर किसी को विशेष इसमें से किसी का ट्रेनिंग चाहिए हो तो हम लोग क्वेश्चन के सेशन में जब आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। मैं वापस इन चीजों पे जाना चाहता हूं जो अभी शायद आप लोगों को नहीं पता हो।
अब देखिए कि आपके अगर फोन के स्क्रीन में कुछ दिखा करके आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो अपने फोन के स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो उसका तरीका है स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप आता है आपके फोन के लिए। एक्चुअली बहुत सारे ऐप्स आते हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर ऐप्स ऐसे हैं कि आप इंस्टॉल कर लो उसके बाद वो आपसे पैसा मांगने लग जाते हैं। शुरुआत में वो अपने आप को फ्री बोलते हैं, बाद में पैसे मांगने लगते हैं, या फिर आपके फोन में ऐसी चीजें इंस्टॉल कर देते हैं जिससे वो आपको फिर ट्रैक कर सकते हैं जो आप नहीं चाहते। तो स्क्रीन रिकॉर्डर एक ऐसा ऐप है जो, और इसी तरह डीयू रिकॉर्डर भी है जो एडवर्टाइजमेंट्स तो देता है लेकिन वो बहुत स्पष्ट और साफ है, वो छिपा करके कुछ नहीं कर रहा होता है। तो आपको अपने रिकॉर्डेड वीडियो को जो आपने अपने फोन में रिकॉर्ड किया है, अच्छा बाय द वे यहाँ किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, आम तौर पे अपने फोन से जो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो अलग है, अभी हम किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं जिसमें आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सके। देखिए कि आप सब कैसे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हैं, उस तरह अपने फोन की स्क्रीन को अगर आपको दिखाना है तो आपको इस ऐप की जरूरत पड़ेगी। चलिए इस बारे में और अगर बात हो तो अलग से कर सकते हैं। फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन को कैसे दिखाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन को दिखाने के लिए भी एक फ्री का तरीका है जिसको अभी मैं ऑन करने वाला हूं। आप में से ज्यादातर के कंप्यूटर्स में विंडोज 10 होगा, विंडोज 10 में ये एक डिफॉल्ट ऐप आता है। आई सपोज कि आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, उसके सर्च बार में मैं एक्स बॉक्स डाल रहा हूँ। विंडोज में एक गेम का एप्लीकेशन है इनबिल्ट जिस गेमिंग के लिए बना है, उसको एक्सबॉक्स बोलते हैं, उसमें ये रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी बनी हुई है। तो आप सबके पास बिना इंस्टॉल किए ये पहले से है, एक्सबॉक्स गेम बार, इसको आप क्लिक किए। क्या कोई वेरीफाई कर सकता है कि आपको ये स्क्रीन दिख रही है जिसमें एक्सबॉक्स की बहुत सारी चीजें हैं यहाँ? कोई एक दो लोग वेरीफाई कर दें कि हाँ दिख रहा है। यस इट इज, ठीक हाँ दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने एक्सबॉक्स पे क्लिक किया, आप भी जब करेंगे तो ये सब चीजें आपके सामने खुल जाएंगी। कौन कौन सी चीजें हैं उसमें, ये बहुत सारे और डिटेल्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें पढ़े ही नहीं। उसमें सबसे ऊपर कैप्चर का एक विंडो है, उसमें कैप्चर लिखा है, देखिए उसको मैं बीच में लेके आ रहा हूँ। वहां देखिए कुछ चीजें हैं, फोटोग्राफ लेना जिसमें आपके स्क्रीन का पूरा फोटोग्राफ आ जाएगा, ये अब ये वो चीज है जिसको जब आप क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। क्या रिकॉर्ड होना शुरू होता है, जो भी स्क्रीन पे चल रहा है वो। इसमें आप गहराई की सेटिंग में जाएं तो ये भी कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर विंडो एप्लीकेशन ही सिर्फ रिकॉर्ड हो, लेकिन आमतौर पे शायद ये सबसे सरल होगा। तो हम लोग आ गए यहाँ और अपने रिकॉर्डिंग, आमतौर पे आप कुछ कर रहे हैं और उसमें आप एक्स बॉक्स खोले और इस बटन को क्लिक किया आपने। देखिए जैसे ही हमने क्लिक कर दिया, प्ले किया, यहां पर ये काउंटर शुरू हो गया, आपको दिख रहा होगा 0.00.06। अब यहां पर और ये चला जा रहा है, जब आपको ये रिकॉर्डिंग रुकनी होगी तो आप यहां इस स्क्वायर को क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अभी टेस्ट के तौर पे मैं कुछ चीजें कर रहा हूं, आप देखें और फिर मैं इसका ये वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा कि ये सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ ये आप लोगों के cc.vksu का ईमेल आईडी है जहां पर आपके भेजे हुए सारे ईमेल्स आते हैं। और अभी हम लोगों ने ई-नोट सेल्फ अपलोड आप लोगों में से बहुत लोगों ने करना शुरू किया है, तो अभी हम लोगों के पास यहाँ 21, यहाँ 6, यहाँ 2, फिर 22, 7, 1 और भी नीचे हैं ईमेल्स मोर में, अलग अलग सेक्शंस में हमारी टीम में ईमेल्स बटे हुए हैं वो सब है। फिर ये जो पोर्टल है अगर चेंजेस की जरूरत पड़ती है उसके मॉडिफिकेशन। चलिए मुझे लगता है ये टेस्ट के तौर पे काफी था, हम लोग वापस आते हैं उस एक्सबॉक्स वाले टूल पे, कहीं पीछे चला गया और उसको बहुत मेहनत करके ढूंढने के बजाय मैं सीधे यहीं आ जाता हूं और इसे मुझे लगता है मैंने गलती से उसे बंद कर दिया है, ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई। और ये रिकॉर्डिंग 10 सेकंड होने पे बंद करते हैं, ठीक है। और चलिए फिर बाकी चीजों को भी बंद कर रहा हूं मैं।
अभी ये जो रिकॉर्ड किया आपने बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ और बदलते नहीं हो तो कहां जाता है देखते हैं आपके कंप्यूटर में माय वीडियोस का एक सेक्शन होता है उसी में कैप्चर्स नाम का एक फोल्डर बाय डिफॉल्ट ये बना देता है एक्सबॉक्स और उसमें जो भी आपने किया वो यहां ये रिकॉर्डेड हुआ ये देखिए अभी जो 10 सेकंड का मैंने वीडियो बनाया ये वो है ध्यान दे कि इसमें आवाज मेरी नहीं आ रही है आवाज रिकॉर्ड करने के लिए आपको आपका माइक्रोफोन हेडफोन से जो बोल रहे हैं वही जाएगा यहाँ ये सिर्फ आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है दोनों चीजें एक साथ हो रही है इसमें कुछ और चीजें हो सकती है लेकिन अभी सरल रखने के लिए मैं उसको नहीं कर रहा उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें ये हो सकती है उदाहरण के लिए कि आप जहाँ पे आपका स्क्रीन दिख रहा है एक छोटे से विंडो में आप अपना फोटो भी जो आपके विज्ञान से आ रहा है लाइव उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो आपने यूट्यूब पे देखा होगा ऐसे वीडियोस जिसमें कुछ लोग अपने वीडियोस बनाते हैं कोई प्रोसेस छोटा सा विंडो सामने लगा रखा मुझे लगता है इससे जटिलता बढ़ेगी और जो बहुत इंटरेस्टेड है उनको हम अलग से दिखा सकते हैं आप हम लोग अपनी लिस्ट पे आते हैं चीजों को हम लोगों ने पूरा कर लिया अपना YouTube लेक्चर बनाना अपने YouTube लेक्चर को कैसे अपने वीडियो लेक्चर को YouTube पे कैसे चढ़ाना है ये चीज हमने एक एक वीडियो में ऑलरेडी डाल दिया है जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वीडियोस में अपलोडेड वीडियोस में है आप उसे देख सकते हैं आप चाहेंगे तो ये मैं वहां पे शेयर कर दूंगा ह्यूमैनिटीज के लिए तो पर्याप्त होगा अपना वीडियो बनाना साइंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे अपने नोट्स को दिखा करके तो जैसे इसका तो जैसे मुझे मैं अपने नोट्स पे चला जाता हूँ स्टूडेंट जोन डिपार्टमेंट स्टडी मटेरियल और यहाँ पे आप सबको वैसे ये भी पता होगा कि यहाँ पर इसमें हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन होता है बाय डिफॉल्ट इंग्लिश आता है लेकिन आप उसको हिंदी बना सकते हैं जैसे देखो मेरे घर हिंदी बन गया ये सब चीजें हिंदी में लिख कर आ रही है तो उसमें पीजी अध्ययन सामग्री और उसमें यहाँ पे ऑप्शन लिया भौतिकी विज्ञान और जैसे सेमेस्टर टू तो सेमेस्टर टू के नोट्स इसको अगर खोलते हैं और ये दो अलग पेपर्स हैं उनमें अगर कोई एक पेपर का नोट्स मैं खोल रहा हूँ अब देखो आप लोग कि अगर मैं इसका एक वीडियो बनाता हूँ जिससे एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि ऑलरेडी एक रिकॉर्डिंग हो रही है जिसमें आप आपके लिए सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है अगर साथ voice is very disturbed. It's not audible. अगर वॉइस डिस्टर्ब आ रहा है सर तो एक बार आप अपने वीडियो को ऑफ करके देखें और फोन को एक जगह फिक्स रख दें एक और बात आपको तो आवाज बेहतर आएगी आप सबको म्यूट देखिए अभी मैंने मैंने अपनी तरफ से आप सबको म्यूट कर दिया आप अपने आप को अनम्यूट सिर्फ तब करें जब आपको कुछ बोलना हो और बोल के तुरंत म्यूट कर लें वापस वरना ये सबके अनुभव को प्रभावित करेगा ठीक है मैं वापस उस पेज पे आता हूं जो स्क्रीन शेयर हो रहा था मुझे लगता है कि शायद वो बात स्पष्ट हो गई है लेकिन प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट इट तो ये पेज मैंने अपने नोट्स का खोल लिया और यहाँ एक्सबॉक्स ऐप खोलिए और उसमें रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए अगर अच्छा अगर मान लीजिए आपके सामने वो पेज नहीं आता बस ये वाला विंडो आता है ये देख रहे हैं आप लोग ऐसा वाला विंडो इसमें यहाँ कैप्चर का एक अलग विकल्प है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अलग से ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ ये गोला जहाँ बना है उसको आप जब टच करते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है अब देखिए वहाँ काउंटर शुरू हो गया अब आप यहाँ पर अपने नोट्स पे आए और नोट्स में आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं आप बच्चों को बात करके दिखा रहे हैं कि
देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसे होती है, इसके अंडर हम लोग ये बातें करेंगे, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, उसका एक टिपिकल हेलो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्राम ऐसे होता है, कमेंट कैसे डालते हैं हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, ये सब बातें आप कर रहे हैं, वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम कैसे एक छोटा सा कोड लिखते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट कैसे करते हैं, ये सब आपने किया और इस प्रकार का आपने कुछ 30 मिनट का या जितना लंबा आपको एक टिपिकल लेक्चर लगता है कि बच्चों को देना चाहिए दे करके ये आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। और जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप होके अगर आप कुछ अलग नहीं किए हैं तो कहां जाएगा, आपके कंप्यूटर में वीडियोस के सेक्शन में, माई वीडियोज करके कहीं कहीं लिख के आता है, बाई डिफॉल्ट ये फोल्डर्स बने आते हैं जब आपका विंडोज 10 इंस्टॉलेशन रहता है, तो उसमें कैप्चर्स और अभी जो हम लोग देख रहे थे। अच्छा, इसमें से अभी का कौन सा वीडियो है ये देखने का सबसे अच्छा तरीका है, उसका टाइम स्टैम्प। तो ये देखिए मैं उस वीडियो को खोल रहा हूं जिसमें वो सब दिख रहा है, देख रहे हैं अभी मैं जैसे जैसे माउस लेके जा रहा हूं ये सब दिख रहा है, आप क्या बोल रहे हो उसको आपने रिकॉर्ड करके दिया। अब इस प्रकार से जो वीडियो लेक्चर बना ये आप ट्रांसमिट करके अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हो, और बच्चे यूट्यूब से इसको देखेंगे तो इसमें ब्लैक बोर्ड वाला एक काम हो गया। ये देखिए यहाँ पे वीडियो चला जा रहा है, ये 30 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। अब इसको इस जो मैंने इस 30 सेकंड का वीडियो बनाया था इसको मैं बंद कर रहा हूं। अब वापस आते हैं थोड़े और जटिल केस में कि आपको ये तो लिखी लिखाई चीज थी, अब सब लोगों के पास ये स्किल नहीं होगा, ऐसा समय नहीं होगा, ये क्षमता नहीं होगी कि इतना सारा नोट्स टाइप करें, आदत नहीं होगी ऐसी, तो कोई बात नहीं, ये सबकी आदत हो जरूरी नहीं है। हम लोग फिर उस केस में कैसे करेंगे, उसका समाधान क्या, तो आप इन ऑनलाइन मीटिंग एप्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो जूम, गो टू मीटिंग या वेबएक्स हो, इन सब में एक राइटिंग टूल होता है, उसके जरिए, अब जैसे आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, इसको मैं जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप लोग के लिए यूट्यूब पे बाद में भी डाल दूंगा, इस प्रकार से भी जैसे मैं आपके लिए ये क्लास ले रहा हूं और ये यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप भी अपनी क्लास ले सकते हैं और यूट्यूब पे डाल सकते हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, जब आप तो लिखने की जो जरूरत आपको पहले से नहीं पड़े उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो आपने एक एम्प्टी फाइल खोली, ये तो हम सब लोग करना जानते हैं, और उसमें ये जो ऑनलाइन मीटिंग एप्स होते हैं, जैसे अभी गो टू मीटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इसमें आप पेन ले सकते हैं। अब देखिए मेरा जो माउस था उसको मैंने पेन में कन्वर्ट कर लिया, और आप अपने से अब यहाँ जो भी ड्राइंग बनाना हो आपको, फिर अगर आपको इसमें कुछ लिखना हो अलग से तो एस्केप दबाए तो ये मेन हो गया, उसको फिर से हाईलाइटर बना सकते हैं, और कोई चीज आपको अलग से दिखाना हो तो आप किसी चीज को हाईलाइट कर देंगे। अब इस प्रकार से इसमें बहुत सारे विकल्प हैं, आप ये जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। ये बात कहनी चाहिए मुझे कि ये लिखना शायद बहुत सरल नहीं होगा, लेकिन ये ऐसे है कि आप जैसे चौक से शुरुआत में लिखते हैं तो समय लगता है, उस तरह इसमें भी समय लग रहा है शुरुआत में, लेकिन आप वहां पे चलते चलते जैसे बोल रहे हैं लिखते जा सकते हैं, आप चाहे तो पहले से कुछ लिख के भी रख सकते हैं। अगर आपका लिखा हुआ है तो यहाँ जो विकल्प हैं उनमें आप ये भी चुन सकते हो कि देखो यहाँ पे अगर ये लिक्विड डालेंगे, ये केमिकल डालेंगे, यहाँ पे वेपर डालेंगे तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे एक माउस भी दिखा सकते हो आप, जैसे लेजर पॉइंटर होता है ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वैसे आपके पास ये लेजर पॉइंटर भी आ सकता है, और जब कर लिया आपने तो ये इरेज भी कर सकते हो जितना भी आपने अभी किया। तो हम लोग वापस इस पे आते हैं, और ये सब कुछ करके आपने जो रिकॉर्ड किया तो इसमें आपको टाइप करके नोट्स भी नहीं बनाना पड़ा, इसमें जो एसेंशियल ड्राइंग्स हैं वो आपने बना के रखे हैं। आप ये भी कर सकते हो कि पहले से आप इंटरनेट से कुछ ड्राइंग्स ले लो, विकिपीडिया वगैरह से आपने ड्राइंग ले ली और बच्चों को ये दिखाते हुए आप रिकॉर्ड कर दिए, फाइनली उसको आपने लेक्चर में डाल दिया।
मुझे आशा है कि ये बात स्पष्ट हुई होगी। मैं अब स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। लुकिंग एट माय नोट्स अगेन, हम लोगों ने आज के मीटिंग एजेंडा के लिए जो चीजें रखी थी अमूमन वो पूरी हो गई हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो प्रश्नों के समय कर लेंगे। अब मैं स्टेज खोलता हूं आप सबके प्रश्नों के लिए। आप एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलते जाइए। अगर आप में से किसी ने, अच्छा कुछ लोगों ने चैट में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो लेट्स सी। वॉइस नहीं आ रही है, साउंड इंटरप्टेड है ये बात है, वीडियो क्लियर नहीं है ये बात है, सर यदि विंडोज 10 नहीं है और बाय डिफॉल्ट एक्सबॉक्स नहीं है तो सर क्या उपाय है रिकॉर्ड करने का? जी, अगर विंडोज 10 नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे सोचने का समय दीजिए। आप अपना अपना ऐप बता दीजिए कि कौन सा है और हम उसके लिए, मैंने गलत शब्द बोल दिया, आपके पास विंडोज 2007 है या विंडोज 8.1 है या जो भी है, आप वो हमें ईमेल में बताएं और फिर आपके लिए क्या प्रासंगिक है वो हम लोग बता देंगे। हाँ, ये चीज विंडोज 7 है, आपके लिए कस्टम हम लोग सोल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन अगर विंडोज 10 है आपके पास तो बिना इंस्टॉल किए हुए एक्सबॉक्स जरूर होगा। होम वर्जन जो उसका सबसे सस्ता वाला वर्जन आता है उसमें भी होता है एक्सबॉक्स। नॉनदलेस आप हमें ईमेल करके ये बता सकते हैं कि आपके पास क्या है। स्क्रीन रिकॉर्डर्स फ्री में आते हैं तो अगर आपके पास 7 भी है, विंडोज 7 एक्सप्रेशन के बारे में, विंडोज 7 है काफी अच्छा आ रहा था रिस्पॉन्स की एक्सप्रेशन के माध्यम से भी बहुत अच्छा किया जा सकता है, पर मुझे उसको भी यूज करना भी सीखना होगा, मुझे कहीं से पता चला था तो वो आप बता सके तो। क्या बात कर रहे हैं आप, फिर से बताएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन ऐप एक किसी ने बताया था कि बहुत अच्छा होता है। सॉरी मुझे एक्सप्रेशन ऐप के बारे में तो पता नहीं है सर। जैसे स्लाइड्स आप शो कर सकते हैं और जो भी आपको पढ़ाना है तो आपकी जो ऑडियो है आप उसमें पढ़ाते जाइए और जो स्लाइड्स बनी हुई होगी तो हम उसमें क्या बेटर वे में स्लाइड्स बना के और प्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज है जो यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर खरीदते वक्त हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे तो वो बहुत महंगा था, मतलब यूनिवर्सिटी के लेने के समय के तरीके से भी हम लोगों को महंगा लगा। सो आप जो कह रहे हैं वो फ्री है या नहीं मुझे पता नहीं है, मैं एडमिट करता हूं कि और मुझे... सर जो वेबएक्स आपने बताया उसमें हम क्या जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल वो शो भी कर सकते हैं या खाली वन टू वन या वन टू क्लास हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट से पढ़ा सकते हैं? आपके प्रश्न का पहला वाक्य मुझे नहीं सुनाई पड़ा, बाकी समझ में आ गया, वो पहला वाक्य फिर से कह दें। वो स्क्रीन जो आपने स्क्रीन शेयरिंग का बताया तो वो जो स्क्रीन शेयरिंग है वेबएक्स में किया जा सकता है? जी हाँ जी, अगर आप लोग चाहें तो वेबएक्स के लिए कैसे करना है, जिन लोगों को कंफर्टेबल हो वेबएक्स में उसका एक अलग सत्र रख सकते हैं हम लोग, चाहे वो अभी एक घंटे बाद रखना हो या एक दिन बाद रखना हो। जूम का एक अलग सत्र रख सकते हैं, जिसको गो टू मीटिंग इस्तेमाल करना हो उसके लिए अलग रख सकते हैं, या आप लोग चाहें तो ये ही सत्र हम लोग कल फिर से रख सकते हैं जिसमें स्पेसिफिक टूल्स को कैसे करें इस्तेमाल ये करेंगे। लेकिन उसको हम चाहते हैं कि वो हैंड्स ऑन हो, मतलब आप भी साथ में करते जाएं। तो हाँ सर ये इंस्टॉल करके रखेंगे, हम लोग साथ के साथ करते जाएंगे तो वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा काम। एग्जैक्टली, तो आपका साइन अप और लॉगिन किया रहेगा, सॉरी इंस्टॉल और साइन अप किया रहेगा तभी हम लोग ये काम कर सकते, तब आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बोलूंगा कि अपने दाहिने तरफ इस कोने में जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए तो आपको एकदम हाथ से आप करोगे और आपको चमकेगा कि ये तो हो गया, और उस एक घंटे के सत्र के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं ये खुद से कर सकती हूँ। थैंक यू सर। अच्छा अमरेन जी। जी हाँ सर। अगर पावर पॉइंट बना हो पहले से और उसको दिखा करके लेक्चर देना हो फिर उसको लोड करना हो तो क्या तरीका? तो सर इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप पहले ई नोट सेल्फ अपलोड में जाके उसको पहले तो अपलोड कर दें, तो हर बच्चे के पास अपना अपना वो रहेगा। बाकी अब तो एक हिस्सा तो वहां पहले बच्चों के पास चला गया, अब अपने जो YouTube के नोट्स बनाने हैं आपको जिसमें पावर पॉइंट वाले चीज पे आप चर्चा कर रहे हैं तो उसका यही सबसे अच्छा तरीका होगा। कि अब मैं फिर से वो काम कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना,
कि आपने अपना पावर पॉइंट खोला। अभी मेरे सामने एक पावर पॉइंट खुला हुआ है जिसमें मैं कुछ बना रहा था यूनिवर्सिटी के लिए। तो जैसे ये पावर पॉइंट खोला आपने, अब ये बच्चों को भी वही दिख रहा है। जैसे F5 कर देने पे आपकी फुल स्क्रीन होती है, बच्चों को भी यही फुल स्क्रीन दिख रहा है। और इसमें आप अब हाइलाइटर का इस्तेमाल करके आप कह सकते हैं, देखो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, यहाँ से ये ऐसे नहीं करना है। तो जैसे चौक से हम लोग लिखते हैं ना सर, ये यहाँ पे चौक जैसी सुविधा है। अब ये हम कैसे कर रहे हैं, ये गो टू मीटिंग, जब आप खुद गो टू मीटिंग पे होंगे तो आपको ये विकल्प दिखाए जाएंगे, जो कि अभी सिर्फ आपको उसका परिणाम दिख रहा है। आप सबको ये लकीरें जो बनाई मैंने दिख रहा है ना, जैसे मैंने अभी 1 लिखा, 2, ये दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो सर इस प्रकार से आप अपने पावर पॉइंट शेयर करते हुए ये सब चीजें वहां दिखाते जा सकते हैं और पावर पॉइंट चेंज करते जा सकते हैं, और ये सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा जिसको आप बाद में YouTube पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, आपका ही बना हुआ पावर पॉइंट वहां रिकॉर्ड होकर, जिसमें आपकी आवाज भी गई कि आपने अलग अलग स्लाइड्स पे कब क्या कहा, ये सब पोस्ट हो गया YouTube पे। आप वो आपकी मर्जी होगी कि आप उसको पोस्ट कैसे करना चाहते हैं। सर क्या उस प्रश्न का उत्तर मिला जो आप पूछे? नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आया। हमने अपना पावर पॉइंट लोड कर दिया, इसके बाद एक एक दिखाते गए और उसको एक्सप्लेन करते गए, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर उसको लोड करना। जी सर, यही बिल्कुल यही बात कहे हम। अच्छा। तो इसमें क्या था, एक तो ये कि आपके कंप्यूटर में एक्सबॉक्स, आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 है, अतः उसमें एक्सबॉक्स भी है। तो एक्सबॉक्स से आप वो पूरा आपके स्क्रीन का जो हो रहा है घटना, उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे अभी मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया था, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैं अपने नोट्स को, ये मैं, अच्छा ये आप लोगों को अभी शेयर नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ वापस। अभी आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो अभी मैंने अपने नोट्स कैसे किया था ये मैं वही दिखा रहा हूँ कि मैंने अपना नोट्स खोला और उसके बारे में, अब देखिए मेरा माउस कैसे जा रहा था उस समय, वो आपको दिख रहा है। मैं अपने पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, पहले स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाऊँ, उस बारे में जो बातें कह रहा हूँ वो दिखता जाएगा और वो रिकॉर्ड में आता जाएगा। अब ये सब बातें आप कर रहे हैं और इन सब चीजों का एक वीडियो बन गया है, और देखिए मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, मैं खुद अभी नहीं कर रहा हूँ ये सब चीजें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। मेरे स्क्रीन पे अभी 10 मिनट पहले बनाया हुआ वीडियो दिखा रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखाते वक्त बना रहा था, और ये फ्री का सॉफ्टवेयर है, विंडोज के साथ आता है। जो ये 40 मिनट का बना हुआ था वीडियो, जो अब समाप्त होने वाला है, बंद हो गया, ठीक है। अब सर ये जो पूरी रिकॉर्डिंग है, इसको आप जाके यूट्यूब पे अपलोड कर दें। यूट्यूब पे अपलोड कैसे करना है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक लिंक क्रिएट किया हुआ है, ये YouTube पे हम लोगों ने एक पेज बनाया हुआ है, इसको आप चाहें तो हम लोगों के YouTube के पेज पर अगर जाएंगे तो हम कुछ हेल्प पेजेस हैं इससे जुड़े हुए। तो हम लोगों के द्वारा क्या क्या अपलोड हुआ है वो, इसमें कुछ टीचर्स ने, इसमें वाइस चांसलर सर का एड्रेस, इसमें कुछ टीचर्स ने, अब ये डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी ने अपना एक काव्य संग्रह पे 20 मिनट का लेक्चर बना के दिया, इसी तरह से राजन जी ने अपना इंग्लिश में वीडियो बना के दिया। देखिए जो लोग को बोलने से बच्चों का पढ़ाना हो जाएगा, उनके लिए तो यूट्यूब में सीधे बोल के रिकॉर्ड कर देना सबसे अच्छा है। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो वो लोग को तो वीडियो रिकॉर्ड करना अलग से जरूरत भी नहीं है, वो सिंपली अपने यूट्यूब पे जाएं। और क्या सबको ये विकल्प दिख रहा है, क्रिएट अ वीडियो और पोस्ट, यहाँ पर? अच्छा, आप लोग शायद म्यूटेड है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ दिख रहा, तो
तो ये विकल्प जो अभी लैपटॉप पे दिख रहा है, आपके फोन में भी ऐसे वीडियो का चिन्ह आता है, उसमें प्लस बना होता है, उस पर जब आप क्लिक करते हैं दिखाई नहीं रहा था, तो बोलते हैं अपलोड वीडियो। और वहां पे गो लाइव जाने का भी विकल्प है, तो आपने सीधे यहाँ पे डाल दिया। ये बहुत सीधा है, बहुत सरल है। फोन से जब आप करेंगे तो एक और विकल्प आएगा कि आप उसी समय रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो रही है ना, उसी समय रिकॉर्ड करने का भी विकल्प आएगा। इसमें यहाँ जो लाइव आने का विकल्प आता है, इस बार जब वीसी सर एड्रेस कर रहे होंगे वेडनेसडे को यूनिवर्सिटी को, तो इसी गो लाइव से करेंगे। इसके लिए एक कंडीशन है कि आपके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो आमतौर पर टीचर्स यूट्यूब लाइव का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करने में मुश्किल हो सकती है। अब ये बात हो गई, और क्या बात थी बची हुई? तो अब और जी, प्लीज अमरिंदर जी एक मिनट समय हम लेना चाहेंगे आपसे। जी हाँ बताएं। हम गणित विभाग के विभागाध्यक्ष विजय कुमार सिंह जी बोल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट गणित विभाग के। माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार हम अपने विभाग में सभी शिक्षकों को एक मैसेज भेजे, उसमें यह निर्देश दिए कि यूट्यूब पर बनाने के लिए, तो सभी शिक्षकों ने हमें तुरंत कॉल करके बताया कि सर मैथमेटिक्स में यूट्यूब बनाना बहुत मुश्किल है, दिक्कतें आ रही है, वाईफाई कनेक्शन नहीं है और बोर्ड की भी व्यवस्था नहीं है, सब लोग लॉकडाउन में है। वैसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि माननीय कुलपति महोदय से आदेश लेकर के हम लोगों, आज फिर मैंने मैसेज किया है कि जितने भी वर्क कोर्स के लोग एडमिशन लिए हैं, उन लोगों का एक अलग ग्रुप बना करके हम लोग पीडीएफ बना करके ही डाला जाए तो कोई परेशानी सर आपका। टेक्निकली हम लोग, सच्चाई है कि टेक्निकली हम लोग इसमें बहुत पुअर है, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार और आपके निर्देश पर कुछ हम लोग पीडीएफ बनाना सीख भी लिए और नोट्स डाल भी रहे हैं, और शुरू से इस पर हम काफी एक्टिव हैं, सब लोगों को निर्देशित करते रहते हैं। अपने भी जो चीज कोई लोगों से नहीं होता है उसको मैं स्वयं बनाता हूँ और डालने का कोशिश करता हूँ, डाल रहा हूँ। ठीक है सर, आपकी बात का उत्तर अब दे रहा हूँ। सर देखिए, ये चीज अगर आपके जो टीचर हैं जिनको फोन में सामान्य जो चीजें होती हैं यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करने में सहज है, वो व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करने में सहज है, उन लोगों को ये चीज हम लोग सिखा सकते हैं। उनको कहिएगा कि कंप्यूटर सेंटर की जो टीम का नंबर दिया गया है वो 4 में से किसी एक नंबर पे क्लिक पे कॉल कर लें, वो लोग उनको डिटेल में समझा सकते हैं। अभी संक्षेप में आपको बता रहे हैं सर, कागज पे हाथ से हर टीचर तो नोट्स बनाता है ना, नोट्स लिखता है, वो नोट्स वो तो सब लोग बना रहे हैं, उसमें कोई बिल्कुल सर, तो वो नोट्स बना करके वो अपनी अपने हिस्से में डाल दें। उदाहरण के लिए ये पीजी अध्ययन सामग्री में मैं मैथमेटिक्स को क्या बोलें, गणित में आ गए और सेमेस्टर 2 नोट्स में आ गए। अभी जैसे इसमें पेपर टोपोलॉजी का जो नोट्स है, हाँ मेरा ही, देखिए ये हाथ से बना हुआ नोट्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी टीचर को। अच्छा आप नहीं देख रहा, सॉरी सर मैं फिर भूल गया कि मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूं, शेयर कर देता हूं। हेलो, अभी ये स्क्रीन शेयर हो रही है सब सर को? हाँ हो रही है। अब देखिए सर, हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। हाँ ठीक है सर, फलानी बोल रहा है ना, एक मिनट फलानी जी बोलिए, एक मिनट रुकिए। हेलो सर, तो एक मिनट एक प्रश्न का उत्तर दे लें, फिर दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग, है ना। एक मैं फिर से सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, जिन्हें बोलना होगा वो एक व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करे, बाकी अन्यथा सभी लोगों का अनुभव प्रभावित होगा। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये प्रयास था एक संक्षिप्त उत्तर देने का जो मैथमेटिक्स विभाग से प्रश्न आया कि हमारे यहाँ बहुत सारे इक्वेशंस लिखे होते हैं, उसको यूट्यूब पे कैसे दें। तो देखिए उन्हीं का हम लोग ई नोट्स छात्र क्षेत्र में जो विभाग की अध्ययन सामग्री है उस पे आ गए, और ये एक्चुअली पहले ही से थे उसी पेज पे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, अब मुझे पीजी वाला ज्यादा परिचित सा लग रहा है इसलिए मैं पीजी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें गणित में जी, पीजी, हम लोग पीजी के ही हैं सब।
जी ठीक है, तो इसमें कोई कोई एक अच्छा सेमेस्टर थ्री का कुछ नहीं है, सेमेस्टर टू का जैसे करते हैं, तो अब सेमेस्टर टू में पेपर टोपोलॉजी करके जो नोट्स है इसको खोल दिए, तो सर देखिए ये नोट्स खुल रहा है। अब देखिए सर क्या करना है आपके डिपार्टमेंट के टीचर को, इसी प्रकार से वो नोट्स तो अपलोड कर दिए और अब इस अपलोडेड नोट्स को ऑनलाइन लिए अपना एक्सबॉक्स खोले, मतलब अब वो यहाँ पर एक्सबॉक्स खोल देते और इस नोट्स पे ही वो गुजरते जा रहे हैं, इस नोट पे, एक मिनट मैं एक टूल ऑन कर रहा हूं इसमें। जी जी आप लोगों को अभी मेरा माउस नहीं दिख रहा है ना, अभी आपको मेरा माउस दिख रहा होगा। तो अब नोट्स तो दिख रहा है। इस प्रकार से आप अपना वीडियो, ये वीडियो ऑन करना तो बताए थे, एक्सबॉक्स ऑन किए तो वीडियो ऑन हो गया, अब उसके बाद यही चीज वो अपने अपने स्क्रीन पे लाएंगे जो उनका ही हाथ का बना हुआ नोट्स है जो उन्होंने पीडीएफ बना के अपलोड किया है, और इसी में अब वो बात करते जाएं कि देखो ये एक्स नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें क्या करना है। अब ये चीज बड़ी सरल होगी अगर आप देख के बोल रहे होंगे, अगर बच्चा इसको देख करके पढ़ने की खुद कोशिश करे तो वो ज्यादा जटिल होता है, लेकिन इसी बात को अपने ही लिखे हाथ के लिखे हुए नोट्स को जब टीचर बोल करके समझा रहा होता है तो बच्चे को ज्यादा आसानी होती है। सर आप ही सोचे कि अगर हम लोग एक किताब दें इस बात पे कि जीवन को सुधारने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके पांच अच्छे उपाय, तो आपको किताब उसको पढ़ने में बड़ा मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है, अच्छा पढ़ेंगे कभी, लेकिन अब उसका हम एक 10 मिनट का वीडियो दे दें तो फट से आप देख लेते हैं। तो सर इसी नोट्स को समझाते हुए जब आपका टीचर एक वीडियो बना देता है अपना, जिस प्रकार से अभी ये बन रहा है, आप कहें तो हम अपना एक्सबॉक्स ऑन करके वीडियो एक बना देते हैं, ये देखिए सर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और ये मैंने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हाँ देख रहे हैं तो सर देखिए अब सर रिकॉर्डिंग से इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। हाँ फेस को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसके लिए एक्सबॉक्स की कुछ सेटिंग बदलनी होगी जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, उस सेटिंग के लिए एक अलग सत्र ले सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा एडवांस्ड यूजर्स के लिए है, ज्यादातर लोगों को कुछ एक कर सकने से मतलब है ना। तो अभी इसकी बात करें तो अब टीचर अपने एग्जांपल दिखा रहा है, उसमें वो जो लिखा है इक्वेशन उसके बारे में बात कर रहा है कि इस तरह के ओपन सेट हो तो क्या, क्लोज सेट हो तो क्या, उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेज क्या होगा, उसके कई कई मापदंड हैं, उसके एग्जाम्पल के तौर पर चलो ये करते हैं। तो सर ये सारी बातें आप कर रहे हैं अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स पे, और फिर जब आपको लगे कि आपका वीडियो पूरा हुआ तो आप ये स्टॉप रिकॉर्डिंग पे, आपको दिख रहा होगा मेरा माउस कहाँ है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो हमने बनाया सर, ये देखिए हमारे यहाँ पर बनकर आ गया, और अब आपको ये बनाया हुआ वीडियो दिखा रहे हैं, ये जो अब चल रहा है स्क्रीन पे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उस समय जो रिकॉर्डिंग की थी हमने वो चल रही है। अब आपको दिख रहा है सर, ये यही चीज करना है मैथ्स डिपार्टमेंट की। हाँ देख जी 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 दिख सर, ये स्पष्ट हुआ आपको, आपके प्रश्न का उत्तर मिला? यस यस हाँ बहुत अच्छा। तो सर इसमें एक मौलिक बात समझना होगा हम सब टीचर्स को कि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए चार पन्ने दे दें तो वो ज्यादा उसको मोटिवेशन चाहिए कि अच्छा इसको पढ़ा जाएगा, और वही 10-5 मिनट का वीडियो हो जाए उस पे तो फट से देखता है आदमी। तो सर चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, ये वीडियो चल रहा है अभी जो बनाया था हमने, बस वो तो सैंपल के तौर पे था 40 सेकंड का। जी जी इसको अब हम स्क्रीन शेयर बंद कर रहे हैं और फिर से अगले प्रश्न पे आते हैं सर हम लोग। जिसके पास सर मोबाइल है वो क्या करेगा? हाँ सर, हेलो मोबाइल से अपना, हेलो सर मोबाइल का शेयर कर सकते हैं, जिसके पास मोबाइल है लैपटॉप नहीं है वो कैसे बनाएगा, वो कैसे क्या करेगा? सर मोबाइल से अगर आपको, जिसके पास सिर्फ मोबाइल की सेवा है, जी हाँ सर, अगर मोबाइल में आपको ऐसा कुछ पढ़ाना है जिसमें बहुत इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड हैं तो भी ये काम किया जा सकता है, उसके लिए एक अलग ऐप आता है, उस ऐप का नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर,
सर ये एक फ्री का ऐप है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी अभी जी सर एक बार फिर से आपको वो दिखाते हैं ये वो ऐप लोड करना होगा हाँ सर वो फ्री का है आप उसको ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बात की हेलो हाँ सर हेलो सर हम लोगों ने इसकी बात की थी कि अगर मोबाइल से ये काम करना है तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें आप ये सब कुछ कर सकते हैं जो हम अभी लैपटॉप में कर रहे हैं हेलो सर यहाँ जो लिखे हैं वो आपको शेयर कर दिया जाएगा तो आपके पास रहेगा ये हेलो सर अगले प्रश्न पे चले हम लोग हेलो सर इसको जरा सा शेयर कर दिया जाएगा तो हम लोग सीख लेंगे ठीक से जी बिल्कुल शेयर करेंगे सर ये इसको सर शेयर कर दिया जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा ठीक से सीख लेंगे सर ये पूरा वीडियो ऑनलाइन रहेगा यूट्यूब पे चला जाएगा क्योंकि हम लोग लैपटॉप वाले नहीं है सर ठीक है सर हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स के टीचर हैं और हम लोग के पास सिर्फ मोबाइल है कोई बात नहीं सर मोबाइल की ही सेवा लेनी है सर हो जाएगा सर उससे भी हो जाएगा अगला हेलो सर हमारा प्रश्न है सर सुनील बाबू जो पूछ रहे हैं मैथमेटिक्स में सर है ना सेम उसमें कह रहे हैं कि हेलो सर सुन रहे हैं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ हाँ इकोनॉमिक्स में सर इक्वेशन डायग्राम जो है और मैथ और स्टैट भी हम लोग को पढ़ाना है तो व्हाइट बोर्ड पर जो है हम पढ़ा करके सामने मोबाइल रख करके कैसे उसको बेस्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं देखिए आप अगर अपने से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान दीजिएगा कि वैसे कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिससे आप अपने फोन को पकड़ के रख सकते हैं मेरे पास ऐसी चीजें हैं लेकिन अब अभी तो आप वो ऑर्डर कर नहीं सकते तो तकिए का इस्तेमाल करके दरवाजों के बीच में फंसा के किसी तरह से फोन को एक जगह स्थिर कर दिया आपने और सामने आप पढ़ा रहे हैं ये भी कर सकते हैं वैसे शायद तो आपकी सहजता पे निर्भर करता है अगर आपके पास कोई व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है घर में तो उसमें आप सामने किसी को पकड़वा लें या किसी चीज में फंसा लें अपना फोन जब मैं योगा सिखाता था तो कई बार ऐसे होता था कि वो जो दूर के मित्र थे जिन्होंने कभी हमसे सीखा था तो उनके लिए करके देखे थे बड़ा मुश्किल नहीं होता है दरवाजे में सामने फंसा दिया और इधर करके दिखा रहे हैं वो सारा हिलना डुलना वो दिखता था लोगों को और समझ में आता था सर ये मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आपको बोर्ड से बहुत दूर होने की जरूरत नहीं है स्पीकर फोन मोड में आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है ये काम करके देखा है हमने हो जाता है सर मेरा प्रश्न एक ये था फीडबैक को लेकर हमने वीडियो बनाया स्टूडेंट को दे दिया और स्टूडेंट्स उसको देख नहीं रहे हैं या देख रहे हैं वो कहाँ तक पहुंच रहा है उसका कैसे पता चलेगा हमने मेहनत से वीडियो बनाया और बच्चे उधर से कुछ सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं तो क्या फायदा हुआ उस चीज का देखिए ये तो मैम ऐसे है ना कि पहले मुर्गी या पहले अंडा तो हम सब लोग जानते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स बात करते हैं तो वो लोग उंगली उठा देते हैं टीचर्स पे टीचर्स हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कह देते हैं स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और ये दोनों ही बातों में कहीं कुछ होगा हम लोग तो ये बात कर सकते हैं ना मैम कि हम लोग क्या कर सकते हैं और हम लोग ये करें करते करते तो वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर का जब शिव जाग जाए तो किसी के भी पांव थिरकने लगेंगे तो वो होने लगेगा मैम धीरे धीरे हम लोग ये करते हैं सवाल पूछेंगे कहाँ जैसे फीडबैक के लिए उनको कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हुआ या पूछना हुआ जो समझ में नहीं आया वो कैसे करेंगे किस प्लेटफॉर्म पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है तो मुझे इसका स्पेसिफिक आंसर देता हूं मैं हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये चर्चा की थी कि हम लोगों के वेबसाइट पे फैसिलिटी है कोई भी स्टूडेंट यहाँ जब आता है वेबसाइट पे हम लोग फिर अपने मेन वेबसाइट पे मैं आ रहा हूँ अब देखिए यहाँ वेबसाइट पे जब आते हैं स्टूडेंट जोन में जहाँ वो स्टडी मटेरियल पे जाते हैं उसके जस्ट नीचे एकेडमिक इंक्वायरी फॉर्म है मैम इस फॉर्म को वो भर सकते हैं इसमें बहुत सरल सा फॉर्म है कि अब स्टूडेंट अपना ईमेल एड्रेस दे अपना नाम बताए किस कॉलेज से है बताए किस डिपार्टमेंट के लिए क्वेश्चन पूछना है ये बता दे वो और उसके बाद हम पूछते हैं कि आपको किस टीचर के लिए पूछना है अगले हिस्से में जाता है वो तो और फिर उनसे पूछते हैं अपना प्रश्न पूछ ले अब आप में से जितने लोगों ने नोट्स अपना अपलोड किया है आप सबका ईमेल आईडी है हमारे पास जैसे ही ये फॉर्म भरा जाता है उस टीचर को उस संबद्ध टीचर को हम लोग वो नोट वो क्वेश्चन भेज देते हैं ऐसा किए हैं कुछ केसेस में और तो यहाँ पे भी और हो सकता है ये तब की बात कर रहे हैं जब आपके फिजिकल नोट्स को बच्चे देखकर कुछ पूछना चाहते हैं अगर YouTube के नोट को देख के कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी बहुत सरल सा है जैसे देखिए
हम लोगों के जैसे बीसी सर का जो लेक्चर हुआ था उसमें आप अगर देखेंगे तो आपको उसके उसमें नीचे कमेंट्स का सेक्शन होता है। हम लोग जितने भी वीडियो डालते हैं कमेंट्स ऑन कर देते हैं, देखिए लोगों ने कितने कमेंट्स और उनमें से कई कमेंट्स का हम लोगों ने जवाब दिया है। तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे किसी बच्चे ने कुछ पूछा है और यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर वीकेएसयू ने उसका जवाब दिया है ना। तो इस प्रकार से आप YouTube में जितने भी लेक्चर्स डालते हैं उसमें बच्चे कमेंट्स के जरिए संवाद करते हैं और ये बहुत स्टैंडर्ड है मैम। इसमें 1000-2000 भी आते हैं, बल्कि अगर आपके 1000 से ज्यादा लाइक्स हो जाएं तो प्रत्येक व्यू पे YouTube आपको कुछ पैसे देता है और उसके बाद कितने कमेंट्स हो जाएं तो उसके कारण भी आपका वजन होता है। मैं ये सब बता के ये जताना चाह रहा हूँ कि कमेंट्स को एक ऑफिशियल मैकेनिज्म माना गया है कम्युनिकेशन का आपके व्यूअर से। प्लीज थोड़ा और ऊंचा बोलिए। ऐसा ना कि कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं काइन मास्टर ऐप पे और इसके बाद और जो बना रही हूँ ना, तो जब मैं बाद में जैसे मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है एडिट नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ से वीडियो कॉलिंग हो जाएगा। एक मिनट, बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। जो अभी पुष्पा देवी द्विवेदी जी बोल रही हैं उनको बोलने दिया जाए। हाँ पुष्पा जी, आप जो बोल रही थी कि आपने एक प्लेटफॉर्म पे डाला, देखिए कोई तो है जो अनम्यूटेड है, मैं फिर से सबको म्यूट कर रहा हूँ। पुष्पा जी मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा। पुष्पा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। पुष्पा जी हाँ बोलिए। वीडियो बनाया ठीक है और वीडियो हाँ। बना के मैंने जो है वो अध्ययन सामग्री के लिए अपलोड कर दिया, तो वो तो सही है, लेकिन जैसे अभी कुछ बना रही तो उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई और यह वाक्य मुझे बीच वाला समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता सुनने के बाद कि उसको हटाना है तो एडिट करना नहीं मुझे आ रहा। अच्छा, ये जानकारी ठीक है मैम। ये भी है बहुत सरल और इसके लिए भी एक फ्री का ऐप आता है विंडोज मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये विंडोज का एक फ्री एप्लीकेशन है जिससे आप विंडोज किसी एक वीडियो का एक निश्चित हिस्सा को काट के हटा सकती हैं। आप एक काम करें, वो लिंक दे करके आप हमें एक ईमेल कर दें cc@vksu.ac.in पे और हमें बताइएगा कि उसको आपको एडिट करना है, उसके जवाब में हम आपको भेज देंगे कि क्या उस ऐप का नाम है, मुझे ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद अमरेन जी। लेकिन ये बहुत सरल है मैम, ये हो जाएगा, एडिट करना बहुत सरल है। अमरेन जी हाँ सर बताएं। हेलो, उस वीडियो का नाम है वीडियो एडिटर। सर वीडियो एडिटर तो है एक, लेकिन उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। एक डिफॉल्ट ऐप आता है जो पहले से विंडोज में रहता है, लेकिन ठीक है सर। वीडियो मैम आप जो सुन रहे हैं ना पुष्पा जी, ये वीडियो एडिटर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे फ्री में आप कर सकते हैं, वो भी फ्री का इंस्टॉल होता है। लेकिन आपको फिर भी उसमें दिक्कत आए तो प्लीज हम लोगों को ईमेल कीजिएगा अपने प्रश्न के साथ। अमरेन सर नमस्कार। जी नमस्कार। आवाज आ रही है क्या सर? रविंद्र जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सर थैंक यू सर, मैंने अपने मोबाइल से, मेरे पास मोबाइल है और मैंने उसको वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो 16 मिनट का बनने के बाद वो लगभग 2 GB का जा रहा है, तो मेरे मोबाइल से वो कहीं अभी जा नहीं पा रहा, तो वो उसका सॉल्यूशन क्या है सर? जी बहुत प्रासंगिक सवाल है ये। वीडियो बनाने में कुछ सेटिंग्स होती है जिसपे हम सबको ध्यान देना चाहिए। सबसे सरल चीज है कि आप अपना रेजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट आपके फोन से जब आप वीडियो बनाते हैं तो आजकल फोन के कैमरा का रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा उसकी कीमत होती है, तो हर अगले वर्जन में नए कैमरे के बड़े रेजोल्यूशन होते हैं, लेकिन बड़ा रेजोल्यूशन के कारण आपका वीडियो भारी होता जा रहा है, मतलब स्पेस ज्यादा लेता जा रहा है, तो आप अलग से सेटिंग में जाकर के उसका पिक्सेल साइज 1080 तक रखें। 1080 तक
वाजिब है, वास्तव में बता रहे हैं उतने की भी जरूरत नहीं है। 1080 बहुत अच्छा होगा अगर, मतलब वो पर्याप्त होगा अगर कोई कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखे। रियलाइज कीजिए कि हमारे ज्यादातर छात्र तो मोबाइल पे अपना आपके नोट्स देख रहे हैं, आपके वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी छोटे स्क्रीन पे भी देखें तो भी काफी होगा। ओके, लेकिन फिर भी 1080 पिक्सल साइज से बड़ा रखने की जरूरत नहीं, एक बात। दूसरी बात, जिस चीज को हम लोग वीडियो समझते हैं वास्तव में वीडियो नहीं होता, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसमें एक सेकंड में बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं। तो आप तो एक सेटिंग होती है जिसको FPS बोलते हैं, फ्रेम्स पर सेकंड। आप उस सेटिंग में जाइए और उसका फ्रेम्स पर सेकंड को 30 सेलेक्ट कर लीजिए। आप एक्चुअली उससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन 30 में बहुत अच्छा वीडियो आता है, पर्याप्त आता है। उसको 60 या ज्यादा, आपके आपका फोन का जो रिकॉर्डर है वो आपको बेस्ट क्वालिटी वीडियो देने के चक्कर में वो इस बात का ध्यान ही नहीं देता है कि कितना भारी बन रहा है वीडियो, कितना साइज का बन रहा है। तो आप उसका FPS सेट कर लेंगे, उसका रेजोल्यूशन सेट कर लेंगे, ठीक है? फिर भी अगर साइज का आता है तो आप हमें बताइएगा, मैं सर आपको फोन करूंगा। मुझे लगता है यही समस्या थी बस। जी हाँ, नमस्कार अमरेंद्र जी, मैं अंजलि गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जैन कॉलेज से बोल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक यू, क्योंकि ये मीटिंग से बहुत सारी कंफ्यूजन तो क्लियर हो गई है, जितने भी क्वेश्चन आए, जो एक हेजिटेशन था वीडियो बनाने के लिए वो शायद अब दूर हो जाएगा। और मैं आपका एक ध्यान ले जानना चाहती हूँ, जो आपने स्टूडेंट सेक्शन में सिलेबस पे बताया था, तो स्पेशली मैंने जूलॉजी का जो सिलेबस देखा है उसमें UG में सिर्फ पार्ट 1 का अपलोडेड है, और मेनली जो PG का सिलेबस है वो जो हम लोगों को मिला है वो सिलेबस से अलग है, क्योंकि आपने जो सिलेबस अपलोड किया है वो जो पटना से जो आया था स्टार्टिंग में वो वाला सिलेबस है, बाद में जो वीर कुंवर सिंह से जो एडिट हुआ है वो सिलेबस अपलोडेड नहीं है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, तो कृपया उसको थोड़ा ध्यान देंगे। और ये तो बहुत बड़ा एक हम लोगों के तरफ से गलती रह गया है, अगर इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है तो इसको इसको एक ईमेल लिख करके हमें सूचित कर दीजिए। एक्चुअली इस बारे में हमें एक सीनियर फैकल्टी के द्वारा यही बताया गया कि जो भी सिलेबस है वो राजभवन के द्वारा तय हुआ है, और यहाँ सिलेबस में CBCS जो लिखा हुआ है ये वो है जो गवर्नर की वेबसाइट से उतारे हैं हम लोग। हमें लगता है कि किसी भी डिपार्टमेंट को शायद ये अपने से अधिकार नहीं होगा कि कुछ उसमें बहुत बदल दे। इलेक्टिव्स हम कौन सा पढ़ाएंगे ये तय कर सकते हैं, लेकिन बाकी इलेक्टिव्स हमारे थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, और हमारे पास वो चेंजेस वाले सिलेबस है, यूनिट में इधर उधर या कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है, जो भी परसेंटेज चेंजेस के थे वो हुए हैं कुछ, तो हमारे सब्जेक्ट में तो हुए हैं, तो आप कृपया इनको देख लीजिएगा, और यूजी का पार्ट 2 और पार्ट 3 का सिलेबस अपलोड कर देंगे तो, या मैं ईमेल कर दूंगी। मैम हम लोग के पास नहीं है तभी नहीं ईमेल अपलोड कर पाए हैं, हम लोगों ने अपने शुरुआत में ऐसे किया कि जितने मित्रों से कर पाए। अब जैसे ज्योग्राफी सिलेबस यहाँ लिखा है ना, इसका मतलब ये तीनों पार्ट मिल गया हम लोगों को, ये दोस्तों से मांग मांग के किया गया है, ये किसी एक जगह पे मिला नहीं था हम लोगों को। Okay. तो अभी ये तीनों पार्ट का मिल गया है मैम सिलेबस यूजी का, आपको दिख ही रहा है ये यूजी पार्ट का? मैं ज्योग्राफी नहीं, मैं जूलॉजी की बात कर रही हूँ। माफ कीजिएगा, अच्छा हाँ माफ कीजिएगा, हाँ तो ये पार्ट 1 ही है सिर्फ मैम, सॉरी। और पीजी में मेनली प्रॉब्लम है, हम लोग उसको कंबाइन करके बना लेंगे। तो मैम पीजी के बारे में जो आप कह रहे हैं, ये राजभवन से प्राप्त सिलेबस को कुछ परिवर्तन करने के लिए आप अपने HOD से बात करके हमें एक ईमेल करवा दीजिए तो हम उसको बदल देंगे। नहीं नहीं, परिवर्तन हो चुका है, वो विद सिग्नेचर उनके HOD और सारे HODs के सिग्नेचर वाले सिलेबस हमारे पास ऑलरेडी है। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो परिवर्तित सिलेबस है वो आप हमें ईमेल करवा दीजिए अपने HOD से, हम उसी को यहाँ डाल देंगे, इसे हटा देंगे यहाँ से। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। अमरिंदर सर नमस्कार, मैं एक चीज आपको बतानी थी। जी अमरेंद्र जी। जी हाँ सुन रहे हैं सर। हाँ, सिलेबस के मामले में राजभवन की साइट से डाउनलोड करके सिलेबस ना लोड किया जाए, इसको हेड से प्राप्त करके किया जाए, क्योंकि 30% सब सब्जेक्ट में चेंज हो गया। अच्छा सर ठीक है, सारे हेड को मेल कर दीजिए कि वो सिलेबस आपको मेल कर दे और वही लोड कर दीजिए। सर इस बारे में हमने DSW सर से रिक्वेस्ट किया था कि हमें मिल पाएगा क्या,
तो उस चीज को फॉलो अप नहीं हो पाया, तो यही समझ कंक्लूजन निकला कि एचओडीज के पास ईमेल और उसको हैंडलिंग में शायद वो सहज नहीं है। तो हमें जो भी मिला, अब चूंकि सिलेबस बार बार मांगा जा रहा था, तो हमें जो मिल पाया वो हम लोग डाउनलोड कर लिए। सर आप अगर इस बारे में अगर इंटरवीन करें तो शायद सिलेबस मिल जाए हमें। मेरे पास फिजिक्स का सिलेबस है, सारे हेड्स को कि वो अपना अपना सिलेबस आपको मेल कर दें और जैसे हेड से मिल जाए वैसे सबको रिप्लेस कर दिया जाए। बिल्कुल सर, तो अभी पीएचडी का सारा सिलेबस नया वाला आ गया है जो अभी आप लोगों के साथ की मीटिंग में आया है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के पुराने वाले हैं, आप नए आने पे उसको डाल दिया जाएगा। थैंक यू सर। ओके, और क्या प्रश्न है? अमरेंद्र सर, मैं चंदन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर चंदन कुमार जीवन कॉलेज से बोल रहा हूँ। सर आप सुन रहे हैं? जी हाँ सर। मेरा एक था सर क्वेरी सर कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया, दो वीडियो अपलोड किया है, लेकिन मैं YouTube के माध्यम से नहीं किया बल्कि Google Drive से मैंने एक लिंक लेके उसमें डाला है, तो ये मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे? वेबसाइट पे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो हम फिर से आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए आप लोग जब यहाँ पर वीडियो अपलोड करना है ऐसा सेलेक्ट करते हैं, और मैंने बताया ना कि ई नोट्स अपलोड स्टेटस में आकर के आप ये फॉर्म खुद भी देख सकते हैं। तो आप अपना नाम बताएं, मैं आपके फॉर्म पे चला आता हूँ। जी चंदन कुमार, जगजीवन कॉलेज। जी तो चंदन जी, आपका एक नोट्स आया था 5-2 को, आप इसी की बात कर रहे हैं? आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना? नहीं सर, अभी मैं जी 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 नहीं सर, उसके बाद ही मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो देखिए चंदन जी, ये वाला नहीं हुआ है, इसको करने में कुछ ऐसा था जो मुझे अपने से आके करना पड़ेगा, मेरी टीम का कोई सदस्य इसको नहीं कर सकता था। तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर की सब चीजें ऑनलाइन आ गई हैं, सबमें टिक लगा है, उसके नीचे वाले में टिक लगा है, इसमें टिक नहीं लगा है। तो जब मुझे मुझे खुद को समय मिलेगा तब मैं, इसमें कुछ है जो वेबसाइट में जाके करना पड़ता है। तो अच्छा साहब, क्योंकि इसमें अभी हम लोग दो ही लोग कर पाते हैं तो उसको उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि आपने गूगल ड्राइव का लिंक दिया है और बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि इस अवसर का इस्तेमाल करके सबसे शेयर करूँ कि आप लोग अगर अगर गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके कुछ शेयर करना चाहते हैं तो देखिए अपने नोट्स में किसी एक फोल्डर में आए, मान लीजिए ये आपका वीडियो है, आप सबको दिख रहा होगा कि क्या यहाँ सेलेक्टेड है, उस पर राइट क्लिक करके शेयर पे जाना है आपको, और यहाँ पीपल जो लिखा है ना इसमें आपको cc.vksu@gmail.com लिख दें। तो ये हम लोगों का जीमेल आईडी है जिसमें गूगल ड्राइव से अगर कुछ शेयर करना है तो वो हो जाएगा। अब देखिए एक और परिवर्तन करना है, जो कई लोग ये वाला तो करके भेज देते हैं हम लोगों को, तो ये एंटर कर दिए, ये तो आ गया। अब एक और काम करना होता है, इसके ऊपर यहाँ जो लिखा है ना एनीवन ऑन द इंटरनेट, ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये वाली चीज कई लोगों ने ऐसे की हुई होती है कि ये कैन एडिट होता है, तो इसका मतलब कि आपने हमें तो अधिकार दे दिया उसको देखने का, उसको एडिट करने का, लेकिन जब हम इसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो बाकी बच्चे इसको नहीं देख पाएंगे। तो कृपया इस बात का ध्यान दें कि उसका एक्सेस परमिशन होता है ये, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, एनीवन मतलब एनीवन। अब ये सिर्फ cc@vksu के लिए नहीं है, और फिर यहाँ पे सेंड का बटन दबाए तो ये हम लोग के पास जो पहुंचता है हम लोग ज्यों का त्यों फिर डाल सकते हैं। तो ये सेंड दबा देना होगा आपको आमतौर पे। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये करना नहीं है। तो शायद मेरे वाले केस में यही हुआ है क्या सर कि मैंने शायद उसको अपलोड नहीं, आपके वाले केस में वैसी बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसा जिन लोगों का होता है ना लोगों को अलग से करके बता देते हैं। आपके वाले केस में सिंपली ये हुआ है कि अभी तक मैं आपके इस जगह तक पहुंचा नहीं हूं। मेरी टीम की एक सदस्य है जो इसको कर रही होती है, और उनमें से जो विशेष केसेस होते हैं उनको मैं खुद से कर रहा होता हूं, तो उनमें यहां तक मैं नहीं पहुंचा हूं इसलिए जी। और कोई प्रश्न? ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, हां अमरेंद्र जी। जी बोले। मैं वकारुज्जमा हिस्ट्री डिपार्टमेंट की। हां वकार जी बोलिए। अच्छा जी हां, तो ऐसा है कि जैसे हम लोग जूम से जो क्लासेज अरेंज कर रहे हैं वो उसको हम लोग कैसे वेबसाइट पर अपलोड करेंगे अपने से अगर चाहे तो? आप ये कह रहे हैं कि जो आप ईमेल से भेज रहे हैं उसको वेबसाइट पे कैसे करेंगे, यही ना? जी नहीं, हम लोग जूम ऐप से क्लास अगर कोई बच्चों का अरेंज कर रहे हैं उसको वेबसाइट पे कैसे अपलोड करेंगे, है ना सर? उसको वेबसाइट पर हम लोग कैसे डालेंगे?
जी सर, तो हम जिस भी ऐप से आप करते हैं उसमें पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड करने का विकल्प आता है, तो सर आप उस मीटिंग को रिकॉर्ड कर लें और उस रिकॉर्डिंग को आप हमें दे दें, बस यही, तो उसको हम वेबसाइट पे डाल देंगे। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए दो बातें आप जो पूछ रहे हैं उसके दो हिस्से हैं, एक कि गो टू मीटिंग या जूम या सिस्को जिस भी जरिए से आप ले रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे कि अभी जो बातचीत चल रही है हम लोग की ये सब रिकॉर्ड हो रही है और ये यूट्यूब पे चला जाएगा, तो आप भी अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड कर लें, पहला चरण हो गया। अब उस रिकॉर्डेड वीडियो को आप हमें कैसे देंगे ये प्रश्न बचता है, तो उस प्रश्न का उत्तर वही है जो कि या तो आप अपने उसको यूट्यूब पे खुद से अपलोड कर दें और फिर उसका लिंक आप दे दें हमें इस ई नोट्स सेल्फ अपलोड फॉर्म के जरिए, इसको भरेंगे आप और उसमें आप अंत में जब लिंक डालना होगा तो आप कहेंगे कि सेल्फ मेड नोट्स है आपका और फाइनल अपलोड में आप कहते हैं कि आपका लिस्ट ऑफ योर ओन लिंक, आप यहाँ पे आप अपना लिंक डाल दीजिए लेक्चर का, ये यूट्यूब का कोई लिंक हो सकता है, यहाँ पर ये मेरे स्क्रीन पे अलग दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे ज्यादा सामान्य दिखेगा, मेरे स्क्रीन पे थोड़ा जटिल दिख रहा है ये जिसमें लॉग इन किया हुआ है। अच्छा अभी तो आपको स्क्रीन दिख ही नहीं रहा था, ठीक है सॉरी मैं ये बात भूल जाता हूँ थोड़ी थोड़ी देर शेयर करना। लेकिन उस सर उसको ई नोट सेल्फ अपलोड के मैकेनिज्म से उसको शेयर कर सकते हैं, दूसरे चरण में दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो स्पष्ट करें अपना प्रश्न कि किस चीज का दिक्कत है। नहीं वो हम यही जानना चाह रहे थे कि उसको जैसे हम लोग नोट्स भेजते हैं अपलोड करने के लिए अपने से अपलोड कर लेते हैं, अब तो आपने वो फैसिलिटी अवेलेबल करा दी है, उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं ना उसको रिकॉर्ड करके फिर भेज देंगे। बिल्कुल सर जी, कोई और प्रश्न है क्या? हेलो, नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, SBB कॉलेज भभुआ से बोल रहे हैं। जी हाँ बताएं। PCA डिपार्टमेंट से, एक्चुअली मैं क्लासेज ले रहा था सिस्को से, तो 14-15 स्टूडेंट के बाद वो लॉग्ड हो जा रहा था, तो उसका क्या तरीका है? सर उसमें 100 स्टूडेंट्स तक अलाउड हैं, लॉग नहीं होता है जब, सर एक बार लेकिन मैं जब क्लासेज ले रहा था तो बीच में बच्चों का फोन आने लगा कि सर लॉग दिखा रहा है, हम लोग उसमें ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा बेस्ट रहेगा, गो टू मीटिंग बेस्ट रहेगा या जूम बेस्ट रहेगा या सिस्को बेस्ट रहेगा? सर अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर कर पा रहे हैं सिस्को से, तो सिस्को लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा है, बस उसकी सिस्को उसमें कमी यही है कि बहुत जटिल पाया जाता है। नहीं तो हेलो, आई एम रितिका पांडे। सिस्को वेबएक्स में 3 डॉट्स आते हैं, उसको दबा के जब आप रूम को अनलॉक कीजिएगा ना, तो लॉबी से जो भी बच्चे रहेंगे वो आ जाएंगे, वो कभी कभी रूम लॉक हो जाता है, तो जो 3 डॉट्स आते हैं उसको दबाइएगा तो सबसे पहले अनलॉक रूम का ऑप्शन आएगा। देखिए हाँ, हाँ, डॉट्स कहाँ है, हो सकता है आपको ये पता ना हो, है ना, हम लोग जहाँ नीचे अभी सिर्फ सिस्को वेबएक्स का एक हम लोग सेशन रख सकते हैं। कब रखा जाए? नीचे साइड में, बॉटम साइड में 3 डॉट्स। अच्छा बॉटम साइड में, बॉटम साइड में जैसे, हाँ जैसे यहाँ पर अभी जो हम लोग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, सिस्को में बॉटम में 3 डॉट्स आते हैं, तो उस 3 डॉट्स को जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा सब हो जाएगा। मैम ये सब डिपेंड करेगा कि आप फोन से कर रहे हैं या कंप्यूटर से कर रहे हैं, और फोन से भी कर रहे हैं तो किस कौन सा वर्जन एंड्रॉइड का है आपके पास। अभी जैसे ये मीटिंग खुली है, देखिए मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ, देखिए अब ये मीटिंग लॉक हो गई, अभी ये मीटिंग लॉक कर दी मैंने, अब कोई आदमी घुस नहीं सकता बिना परमिशन के, अगर कोई और इसी मीटिंग के लिंक को क्लिक करेगा तो मुझे वो वेटिंग रूम में बैठा हुआ दिखेगा, यहाँ पे एक वेटिंग रूम जैसी चीज बनी हुई है और मुझे उसका नाम दिख रहा होगा, फिर मैं उसको अलाउ करूंगा तो वो आ सकता है। तो दो बातें, जैसे जब VC एक क्लोज रूम मीटिंग कर रहे होते हैं तो उस रूम को भी हम लोग लॉक कर देते हैं, जिन लोगों को उस स्पेशल मीटिंग में आना है उनको आने दिए और उसके बाद रूम को लॉक कर दिए, ताकि गलती से कोई और व्यक्ति उस लिंक पे ना घुस जाए और उस बातों को ना सुन सके। तो सर आपसे गलती से वो खुद ही लॉक हो गया है, हो सकता है एक बात, लेकिन उसको आप अनलॉक कर सकते हैं। दूसरी बात,
सर उसके अलावे उसमें अगर लॉक रखना भी है तो ऊपर में ब्लिंक कर रहे होते हैं वो कि फला फला लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, उनको आप एडमिट पे क्लिक कर देंगे तो वो अंदर आ जाएंगे सर। ओके उसकी लिमिटेशन नहीं है 15 की, उसकी लिमिटेशन 100 की है। वही तो मैंने आप लोग बताए थे कि 100 से ज्यादा होता है तो एक क्लासेस में 60 है तो और फिर भी चाहिए हो तो हम लोग सिस्को वेबएक्स का एक अलग से सत्र रख सकते हैं जिसमें उसके सभी डिटेल्स पे जाएंगे, उसके सभी डिटेल्स को कवर करने में हमें लगता है 15 से 20 मिनट लगना चाहिए। आपके टीम को भी बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत कुछ हम लोग को भी सिखा दिया, ऑफलाइन वाले को भी ऑनलाइन में ला दिए, कम बात नहीं है। देखिए जहाँ सभी सभी लोग योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, हम लोग तो फिर भी उसमें सबसे सुरक्षित हैं। जो पुलिस वाले हैं या डॉक्टर्स हैं वो तो अपने जान पे खेल करके ये काम कर रहे हैं, शिक्षक लोग इसमें पीछे क्यों रहे हैं? हम लोग ना, ना, नहीं कर सकते हैं, हम लोग कम से कम अपने घर से तो ये कर सकते हैं, तो सर हम लोग किया जाए। अमरेंद्र जी सड़क पे तो हेलो हेलो अमरेंद्र जी, मैं डॉक्टर मनीषा बोल रही हूँ एसबी कॉलेज से, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। मैं जानना, मुझे पीपीटी के थ्रू मैं वीडियो बनाना चाहती थी, ठीक है, यूट्यूब वीडियो, ताकि मैं पीपीटी से, वो मेरे लिए सहूलियत रहेगा, आसानी रहेगा मुझे वो बताने में, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं और ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई मतलब व्यवस्था नहीं है प्रॉपर, सिर्फ मोबाइल है और लैपटॉप है, तो उसमें भी विंडो 10 नहीं है, विंडो 7 है केवल। तो मेरे लिए अगर बता सकें कि पीपीटी के थ्रू मैं कैसे यूट्यूब वीडियो बना सकूं? जी मैम, तो पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक वो याद, मुझे ये शायद पता सोचा नहीं था मैंने कि विंडोज 10 अगर नहीं है तो कौन सा ऐप होगा, इसके इसको मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया, मतलब इसका बेस्ट मुझे नहीं पता है, बहुत सारे ऐप्स हैं मुझे लेकिन वो याद नहीं है, काफी समय हुआ मुझे उसको इस्तेमाल किए हुए। मैम आप एक काम कर दें, मैं इस प्रश्न को अपने पास लिख लेता हूं और इसका उत्तर मैं इस लिंक के साथ डाल दूंगा कि इसका क्या फॉर विंडोज 7, मैं एक पुराना ले लेता हूं, स्क्रीन रिकॉर्डर, तो मैं इसका उत्तर आपको मुहैया करा दूंगा। मैं सर अगर इसका आंसर अगर पब्लिक कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मेरे पास भी विंडो 7 ही है लैपटॉप में। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मैंने नोट्स बनाया है ये पब्लिक हो जाएगा। देखिए पीजी टीचर्स का जो ग्रुप है उसमें और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के ग्रुप में चला जाएगा, इन दोनों ग्रुप्स में जाने के बाद कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने अपने कॉलेज में डाल देते हैं। विंडो 8.1 भी इंक्लूड कर लेते जी, विंडो 8.1 भी इंक्लूड कर लेते जी। जी हेलो जी, ठीक है, उसको इंक्लूड कर लिए जी, थैंक यू। उसके बारे में भी बता देंगे कि कोई फ्री ऐप जिससे आप ये काम कर सकते हैं। जी हाँ बोलिए। ओके अंकिता जी बोलिए। हाँ सर, एक मैं बताना चाहती हूँ कि एक OBS का सॉफ्टवेयर भी आता है जो कि रिकॉर्ड करता है स्क्रीन को, तो वो भी डाउनलोड करके जो सर लोग के पास नहीं है अगर विंडोज 10 तो कर सकते हैं। ओके और कोई प्रश्न है क्या? हम लोग की मीटिंग शुरू हुए 1:25 हो चुके हैं, जो आप बता रही हैं स्पेल कर दीजिए जी। क्या हेलो अमृत जी बोलिए। हाँ अमरेंद्र जी जी, मैं जैन कॉलेज ससाराम, मैं ये कह रहा हूँ कि मोबाइल से अगर बनाना है तो जूम वेब ज्यादा लोग हों तो सिर्फ 3 लोगों की मीटिंग अलाउ करता है जूम, अगर 3 से ज्यादा लोग हैं आप लोग तो 40 मिनट से जैसे ही ज्यादा बढ़ेगा वो काट देगा आपकी मीटिंग। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू अमरिंदर जी, थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई बात? ठीक है, तो हम लोग इस बारे में एक सत्र कर सकते हैं, आप लोग
बट जो यहाँ पे जिस YouTube में मैं डालूंगा उसमें कमेंट्स में आप लोग ये बात डाल दें कि ये चीजें छूट रही हैं, तो उसके बारे में एक अलग सत्र रखा जा सकता है। और अगले इस तरह की जो मीटिंग होगी उस वो होगी हमारे वाइस चांसलर सर कल पीजी डिपार्टमेंट के टीचर्स को एड्रेस कर रहे होंगे। एक्चुअली वो एड्रेस कम कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, वो बातचीत कर रहे होंगे उन सब लोगों से, और उसमें सिर्फ पीजी जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं उसके टीचर्स सम्मिलित होंगे, तो उसी ग्रुप में उसका लिंक दिया जाएगा। तो आप लोग जो पीजी के टीचर्स हैं उसमें कल जरूर आइएगा। इस बारे में आपको एक और चीज दे दे, देखिए यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे आता रहता है। ये वाली चीज कहाँ है? हम लोगों की वेबसाइट में जो अपकमिंग इवेंट्स का सेक्शन है यहाँ सबसे ऊपर, वहां पे ये है। तो अभी से आगे कहाँ कहाँ कब एड्रेस होना है वो सब यहाँ लिखा है। जैसे आज 3 मई को 3 बजे का ये एड्रेस यहाँ पड़ा हुआ है। फिर 4 मई को क्या होने वाला है? कम्युनिकेशन बिटवीन वीसी एंड ऑल टीचर्स ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। फिर 5 मई को कम्युनिकेशन बिटवीन वीसी एंड टीचर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस ऑफ भोजपुर, इस प्रकार से। फिर 6 मई को एड्रेस बाय वीसी टू एवरीवन इन द यूनिवर्सिटी यूट्यूब लाइव के जरिए, इस प्रकार से सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। और आप लोग भी अगर किसी डिपार्टमेंट से कंप्यूटर सेंटर से ही कुछ पूछना चाहते हो तो यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। कल वाला ना रहे, हम लोग किसी भी कल वाला मीटिंग, कल वाला मीटिंग का जो सर के डाल दीजिएगा पीजी ग्रुप में। जेंट कॉलेज का कब है सर? आप कल वीसी का वाला मीटिंग का पीजी ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी जी डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की मीटिंग को हम लोग आज समाप्त करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, धन्यवाद। हम लोग, मैं अंत में फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि जहाँ सब लोग अपनी जान को जोखिम में लगा करके काम कर रहे हैं, चाहे वो दूध वाला ही क्यों ना हो, हम लोगों के पास ये विकल्प है कि अपना 100% दे सकते हैं बिना जोखिम में। अपने अपने घर से जो स्टूडेंट लोग को फोन करना हो किसी भी प्रकार से, उनको पकड़िए और उनको प्रेरित कीजिए कि तुम लोग भी थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।